नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते रेसिपीज़ में। इस वीडियो में हम बहुत ही टेस्टी वाइट बैगन की कलौंजी बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्यारी सी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम वाइट बैगन लिया है। इस वाइट बैगन की कलौंजी बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमें एक बैगन को बीच से कुछ इस तरीके से नाइफ से कट करना है, और कट करने के बाद हमें इसे हल्का सा फैलाना है और इसके जो अंदर का पार्ट है उसे निकाल लेना है। तो इसके अंदर के पार्ट को निकालने के लिए आप एक स्पून की हेल्प ले सकते हैं। एक स्पून की हेल्प से हमें इसे कुछ इस तरीके से इसका जो अंदर का पार्ट है उसे निकाल लेना है, और हमें जो इस बैगन का लास्ट वाला लेयर है उसे बिल्कुल नहीं कट करना है। बस हमें इस तरीके से इसके जो अंदर का पार्ट है उसे निकाल के अलग कर लेना है। इसी तरह मैं आपको सारे बैगन कट करके दिखा रही हूँ। यहाँ हमें इसे हल्का सा हाथ से प्रेस करना है, फिर उसके बाद हमें एक स्पून की हेल्प से इसका जो अंदर वाला पार्ट है उस सभी को निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं ये फिलिंग के लिए तैयार हो चुका है। जब हमारा जो मसाला का फिलिंग है वो तैयार हो जाए तो हम इसे इसमें फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बोल, जिसमें मैं डाल रही हूँ 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, 1 डंडी धनिया पत्ती वो भी कटी हुई। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बैगन के अंदर से जो पार्ट निकाला था उसे। इन सभी को डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून पीसा हुआ पोस्ता का दाना, करीब 1.5 टेबलस्पून अचार का मसाला, करीब आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, करीब 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, या आप इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हैं, करीब 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। यहाँ मैंने कच्चा सरसों का तेल डाला था, और फिर हमें इसे अच्छी तरीके से हाथ की हेल्प से मैश कर लेना है, या आप इसे अच्छी तरीके से मसल सकते हैं अपने हाथों की हेल्प से। अब हम इसमें एक और प्याज डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है, और फिर हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मुझे इसकी जो फिलिंग है वो थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें एक और प्याज ऐड किया है। अब साइड में मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, जिसके गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें हमारा जो फिलिंग का मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देंगे, और इसे कुछ मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला इस फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया है। हमें इसे 3 से 5 मिनट के लिए भुनना है। तो हमें इसे बीच बीच में ऐसे मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है, जिससे कि जो हमारा मसाला है वो हर तरफ से भुन जाए। तो देखिए जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है सारी तरफ से। तो जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए तो हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने इस मसाले को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हम लेंगे बैगन, और जो हमने उसके बीच में स्पेस बनाई थी उसमें हम इसकी जो फिलिंग है उसे स्पून की हेल्प से फिल कर देंगे। हमें स्टफिंग को उतना ही भरना है जितना एक बैगन में वो आ जाए। तो याद रखिएगा, हमें जो इसकी स्टफिंग है उसको अच्छे से भरना है, तभी इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। बहुत ही कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि इसमें आप कम कम फिलिंग भरें। इसे हमें अच्छी तरीके से भरना है, तभी जो हमारा भरवा बैगन है उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे एक स्पून की हेल्प से इस बैगन में ये मसाले भर रही हूँ। सेम इसी तरह आपको इसमें भरना है, और इसे ऐसे दबा देना है जिससे कि निकले ना। तो आप देख सकते हैं मैंने इन सारे बैगन में मसाले को भर लिया, और बाकी के मसालों को हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब साइड में मैं ले रही हूँ एक फ्राइंग पैन, जिसके गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून ऑयल, यानी कि यहाँ पे मैंने 1/2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल यूज़ किया है। और जिसके गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें एक एक करके आराम से इन सारे बैगन को इस पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बैगन को उल्टा करके फ्राई कर रही हूँ, जिससे कि ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो मैं इसे ढक के रख रही हूँ करीब 1 मिनट के लिए, जब तक ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। साइड में मैंने एक मीडियम साइज़ के आलू को छील लिया था, और इसे ऐसे राउंड शेप में मैं इसे कट कर रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से।
और जब ये अच्छे से कट हो जाए तो हम इसे साइड में रख लेंगे। अब इधर एक मिनट हो चुके हैं, हम बैगन को पलट देंगे जिससे कि ये हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये एक साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें बैगन को हर साइड से फ्राई करना है जिससे कि हर साइड से पक जाए। तो हमने फिर से इसे एक मिनट के लिए ढककर रख दिया था और मैं इसे फिर से एक मिनट के बाद अलग अलग डायरेक्शन में इसे फ्राई कर रही हूँ जिससे कि हर साइड से पक जाए। ये बैगन भरवा या बैगन की कलौंजी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर आप मेरे बताए गए रेसिपी से अपना बैगन का भरवा बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हमें ऐसे बीच बीच में इसे ढक ढक कर इसे हर तरफ से फ्राई कर लेना है जिससे कि अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं ये देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। आपको बिल्कुल इसे खाने का मन ज़रूर कर गया होगा, मुंह में पानी बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि बनते ही इतने स्वादिष्ट हैं कि बनने के बाद आप इसे बिना खाए रह नहीं पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो भरवा बैंगन है वो हर तरफ से पक चुका है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो हम इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पे मैंने इन सारे बैंगन को एक एक करके अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करके प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, सेम इसी तेल में हम ऐड करेंगे जो हमने आलू कट की थी राउंड शेप में उसे। और फिर हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे जिससे कि जो हमारा आलू है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, साथ में पक भी जाए। तो अब मैं इसके ऊपर लिड लगा देती हूँ। 2 मिनट बाद मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि हमारे जो आलू हैं वो गोल्डन ब्राउन हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमें एक एक करके आलू को ऐसे पलट देना है जिससे कि दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। जितने ही आलू क्रिस्पी होते हैं आलू की कलौंजी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो इस वजह से मैं सारे आलू को दूसरी साइड भी पलट देती हूँ जिससे कि ये दोनों साइड से क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो मैं फिर से इसका जो लिड है उसे लगा रही हूँ जिससे कि अच्छी तरीके से पक जाए। तो आपको इसे तब तक फ्राई करना है जब तक जो हमारे आलू हैं वो गल ना जाएं। तो देखिए जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमारा फ्राई किया हुआ स्टफिंग वाला मसाला था उसे। और उसे डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जिससे कि जो आलू है और मसाला है एक दूसरे से कोट हो जाए। जब मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इन आलू में तो हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जैसे कि 1/4 टीस्पून नमक, इसमें नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, करीब 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, करीब 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर। और ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरीके से इन आलू के साथ और मसाले के साथ मिक्स हो जाए। तो मैंने लास्ट के 2 मिनट के लिए इसे ढककर रखा था और अब आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। जो मसाला है वो आलू के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। तो ये हमारा मुंह में पानी ला देने वाला आलू की कलौंजी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे भी साइड में रख दूंगी। तो आप बताइएगा कि आपको ये दोनों ही रेसिपी कैसी लगी, यानी कि आपको बैंगन की कलौंजी और आलू की कलौंजी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही में अगर आप मेरी ये वीडियो ट्राई करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी ये रेसिपी बनी कैसी थी। मुझे आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। सो हैप्पी कुकिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।